डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है। खबरों में मेगा ट्रॉपिक्स 1 उपग्रह। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने सेवा से हटाए जा चुके पुराने मेगा ट्रॉपिक्स 1 या संक्षिप्त में MT-1 उपग्रह का पुनः प्रवेश प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया। इसरो के मुताबिक ये पुनः प्रवेश प्रयोग अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, किंतु नियंत्रित रूप से किया गया। इसरो के अनुसार उपग्रह ने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया और वह प्रशांत महासागर के ऊपर विघटित यानी डिसइंटीग्रेटेड हो गया होगा। बता दें कि मिशन के अंत में इसमें करीब 125 किलोग्राम ईंधन बाकी था। मेगा ट्रॉपिक्स 1 या MT-1 उपग्रह इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES का संयुक्त उपग्रह उद्यम है। इसे 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन करना था। ये एक लो अर्थ सैटेलाइट है जिसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम था। MT-1 का मिशन कार्यकाल मूल रूप से 3 वर्ष का था, किंतु इसने 2021 तक क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु मॉडल का समर्थन करते हुए एक दशक से अधिक समय तक मूल्यवान डेटा सेवाएं प्रदान की। अगस्त 2022 से अब तक इसकी कक्षा में 18 बार बदलाव किया गया था। गौरतलब है कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को उनकी कार्यावधि पूरी होने पर नियंत्रित पुनः प्रवेश के जरिए वापस लाना होता है। MT-1 के मामले में ये बड़ी चुनौती इसलिए था क्योंकि इसे पुनः प्रवेश के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया था। आमतौर पर बड़े उपग्रहों और रॉकेट आदि को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वे वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने में सक्षम होते हैं।